सो गाइस फाइनली आई एम रेडी एंड रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाली है बस, और अभी टाइम हो रहा है 11:10 एंड आई एम ऑल सेट, तो चलते आगे की तरफ। बाइक भी सेट हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सैडल बैग लग गया, टैंक बैग भी सेट होने वाला है, तो कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। एंड अभी किलोमीटर्स हो रहे हैं 33,036 एंड फ्यूल टैंक भी इंडिकेशन दिखा रहा है, तो फ्यूल भी लेंगे चलते चलते। दोस्तों तो फाइनली रोड ट्रिप स्टार्ट हो गई है एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे को पहुँचने लगेंगे 12 घंटे, और यहाँ पर छोटा सा चेक पोस्ट आ गया है, कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तो ये हापुड़ हाईवे है और हापुड़ हाईवे से होते हुए मैं जाऊँगा मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद से जाऊँगा बासपुर, तो बासपुर के बाद मिलेंगे थोड़े से पहाड़, मतलब असली शुरुआत हो जाएगी पहाड़ों की। एंड अभी ये बहुत काफ़ी चकाचौंध दिख रही है आपको, इससे पहले मैं जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, गांव का रास्ता था, कच्चा रास्ता था, तो इस हाईवे पे काफ़ी लाइटनिंग है, स्ट्रीट लाइट काफ़ी है। और ये देखो अनदर चेक पोस्ट, तो शायद यहाँ भी पुलिस वाले ना मिले, नहीं नहीं बैठे पुलिस वाले बैठे हुए, कोई बात नहीं, पर चेकिंग कुछ खास नहीं हो रही है। एज अ ट्रेवलर मुझे लगा था कि चेकिंग हर जगह होगी, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला था, तो थैंक गॉड चेकिंग नहीं हो रही, नहीं तो टाइम वेस्ट ही होता है। गाइस मैं आ गया था अभी गजरोला की साइड, मतलब रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी मैंने कवर कर लिया आई थिंक 80 किलोमीटर्स के अराउंड, और 80 किलोमीटर्स में मतलब बारिश मिल गई रास्ते में, हापुड़ की साइड थोड़ी बारिश मिल गई थी, तो बारिश में भीगते फिर चेंज किया और ये पूरा सेटअप लिया बारिश का, तो थोड़ा सा भीग गया था। एंड देन हेलमेट का दिखा था आपको, हेलमेट कैसा हो चुका है ये देखो, हेलमेट पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, और बाइक मतलब बारिश का टाइम है तो बाइक तो खैर होनी होनी फिर, बट ये कि अभी तक जो सामान वाटरप्रूफ था वो सारा वाटरप्रूफ है। अभी यहाँ पर मैंने डिनर किया था, डिनर कह लो या फिर ब्रेकफास्ट कह लो, तो अभी फ़िलहाल यहाँ किया था, और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे की साइड पर, आगे मतलब मुरादाबाद की साइड, एंड देन वहाँ से आगे रास्ता जाएगा बाजपुर, देन फिर आपका लोकेशन पे, तो जो डेस्टिनेशन है हमारी वो मैं आगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में रिवील करूँगा, तो तब तक ले स्टे ट्यून और चलते आगे की साइड पे। मोटर व्लॉग मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सेटअप है वाटरप्रूफ नहीं है कंप्लीट, तो फिलहाल मैं आपको ऐसी अपडेट देते रहूँगा। वो देखो गाइस छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, मतलब पहाड़ दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, इतना वेदर इतना अमेजिंग है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा अभी से स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मौसम इतना बढ़िया हो रहा है और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल लगाना तो बनता है एक बार, तो ये मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया, वाह 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 वाह, ये देखो पूरा इस क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है, आह मज़ा आ गया, मज़ा स्पोर्ट्स में क्रूज़ कंट्रोल के मज़े, फुल ऑन सस्ते में महंगा सौदा, कितना बढ़िया लग रहा है, देखो कितनी बढ़िया बाइक चल रही है, फुल बैलेंसिंग है सब कुछ है, और स्पीड भी ऊपर ना नीचे बरोबर। चलो चलो आगे, चलो आगे चलो। इस रोड पे क्या है ना, ये बासपुर रोड पे यहाँ ब्रेकर बहुत है, ये देखो ब्रेकर आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकर है, इस नैनीताल से पहले जो रोड पड़ती है बासपुर वाली, ये देखो दोबारा ब्रेकर आ गया, ब्रेकर ही ब्रेकर, मतलब फेडअप हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं राइड करते वक्त, मेरा तो फर्स्ट टाइम था मैं इस रोड से आया तो बहुत इरीटेट हो गया था मैं। अभी अपन को जाना है शायद सीधे की तरफ जाना है, शायद हाँ सीधा जाना है, क्योंकि लेफ्ट में तो रामपुर और सीधा जा रहा है नैनीताल एंड हल्द्वानी, और यहाँ पर चेक पोस्ट भी है, लेट्स सी पुलिस वाले रोकते कि नहीं रोकते, अरे यार नहीं रोका, थंबनेल मिल जाता अच्छा खासा, खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, अपने पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी है मेरे भाई की, और मेरे पास फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। ये देखो दोस्तों ना हाथी मिले ना मिले बाघ, मिल गई गाय, कोई बात नहीं गाय से ही काम चला लेंगे, पहाड़ों की गाय तो वैसी डिफरेंट होती है, अच्छी होती है। यो ब्रो ये तू भी दे, चलो तो ये जंगल बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, मतलब ज़्यादा घना नहीं है,
ग्राम पंचायत कालाडूंगी में आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया। तो हम कालाडूंगी पहुंच चुके हैं इस वक्त और जंगल तो बेहतरीन चलता ही जा रहा है हमारे साथ। एंड यहाँ पर लिखा था हाथियों से सावधान। ये देखो गाइस वाटर ब्रिज, मतलब इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है देख के, मज़ा आ गया। ऐसे मतलब क्रॉस करते हैं ना लगता है कुछ रोड ट्रिप पे आए बढ़िया वाली। तो अभी यहाँ से अभी हमें लेफ्ट लेना नैनीताल रोड के लिए। ये अब नैनीताल रोड स्टार्ट हो चुकी है, मेन रोड नैनीताल की, अब ये सीधा नैनीताल जाएगी। ओ आई गेस यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था बट ऐसे लिफ्ट दे नहीं सकते क्योंकि डोंट नो कौन कैसा है। एंड वैसे भी हम मतलब यहाँ पर नहीं है इस जगह पे, तो लिफ्ट कैसे दे दे। ये देखो यहाँ पर लेफ्ट में पुलिस चौकी वगैरह दी। अभी थोड़ा डेवलप दिख रहा है एरिया क्योंकि नैनीताल की मेन रोड है, कनेक्टेड है, इसलिए काफ़ी सारी शॉप भी है यहाँ पर। जस्ट हैव अ लुक गाइस, मेरे पीछे देखो कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर अभी हमने बैठ के चाय पी थी आराम से। ये देखो दो दुकानों से हमने दोनों तरह से चाय पी थी, बढ़िया बढ़िया चाय पी। और मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी इस टाइम पे। और बहुत टाइम बाद मैंने जैकेट उतारी, कम से कम 5-6 घंटे बाद नहीं, रात के 12 बजे पहनी थी और 10:45 हो चुकी है अभी। और अभी हम नैनीताल, मेन नैनीताल से 15 किलोमीटर्स नीचे है, पता है मेरे को, तो नैनीताल रोड चल रही है अभी बस। तो अभी हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, नैनीताल से भी ऊपर जा रहे हैं, तो लोकेशन अभी तक आपके लिए सरप्राइज़ है। ओके, तो ऐसी है कुछ बाइक की हालत, अभी तक तो ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है जैसे करती आई है। बस सैडल बैग से थोड़ा मैं नाराज़ हूँ क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्म करना था इन्हें उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं। और इसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा मैं आपको बाद में। एंड एक स्कूटी हमारी एक खड़ी। सो गाइस सोलो ट्रिप में कर रहा था, बट सोलो ही अभी भी ट्रिप, दो भाई है साथ में, एक एरा पार्थ और वहाँ पर सिद्धार्थ। तो इनका रात में मैसेज आया कि भाई हम भी चल रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद जो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका आई बटन लिंक आ रहा है, जाके चेक करो। तो वीडियो देखी थी तो इन्होंने कहा हम भी चल रहे हैं, सडनली उन्होंने पैन किया तो मैंने मना नहीं कर पाया क्योंकि भाई लोग जान है मेरी। तो बस फिर ये भी आ गए साथ में, तो मज़ा आ रहा है अभी इनके साथ, इनके साथ और मज़ा होगा, डबल मज़ा। और अगर आप नैनीताल से 15 किलोमीटर्स नीचे हो ना तो यहाँ पर आके चाय ज़रूर पीना, यहाँ पर अंकल अच्छी चाय बनाते हैं बहुत ज़्यादा, और उधर भैया चाय बनाते हैं, उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी है बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ आके ज़रूर पीना चाय, ठीक है। बैंड देख लो, ये वाला बैंड है, याद आ जाएगा तुम्हें। वो देखो एक बंदा गिर गया नीचे बाइक के साथ, पास जाके दिखा दो उनको। गाइस ये देखो बाइक गिर गई पूरी तरह नीचे। पता नहीं मुश्किल से आ पाएगी ऊपर बाइक, वो नीचे गिरी हुई है। मैं थोड़ा सा मॉरल ड्यूटी निभा रहा हूँ, ट्रैफिक जो आ रहा है उसको डाइवर्ट कर रहा हूँ। माय गॉड यार, अचानक से गिर गई बाइक। थैंक गॉड बंदा सेफ है, अब बहुत मुश्किल है बाइक निकालना, मैं ट्राई करता हूँ। रुको, तो अभी थोड़ी सी सपोर्ट करके चार बंदों ने बाइक निकाल ली, लगी नहीं बंदे के, चलो बाइक भी स्टार्ट हो गई है। ये देखो दोस्तों जंगल ही जंगल, मतलब इतना बेहतरीन जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े ऐसे मैंने मतलब अभी तक तो देखे नहीं है कहीं, पहले भी ही देखे थे और अभी ही देखे हैं। और थोड़ा सा क्रूज़ कंट्रोल ट्राई करते हैं यहाँ पर क्योंकि खाली रोड है, अच्छी रोड है, थोड़ा सा हैंड्स फ्री करके चलाते हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल बढ़िया चल रहा है। बट यहाँ पर क्या है, थोड़े बहुत बैंड्स वगैरह काफ़ी है अब तो, क्योंकि पहाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो काफ़ी सारे मोड है, तो क्रूज़ कंट्रोल लगा लो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर लिखा भी है कि तीव मोड़ है आगे, तो मोड काफ़ी देख रहे हो मैप में, मतलब कैसे कैसे मोड़ है। बट इतना एनर्जेटिक लग रहा है ये, इतना एनर्जेटिक लग रहा है कि क्या ही बताए। और ये देखो बीच में आपने देख रहे होंगे रास्ता बना रखा है ऊपर की साइड से ताकि आदमी लोग निकल जाए। ये देखो यहाँ दूसरा ही बना रखा है, ये शायद इंसानों ने अपने लिए बना रखा है ताकि इनका रास्ता जंगल का जल्दी कवर हो जाए। सही है, वैसे जुगाड़ वगैरह करते रहने चाहिए। रोड काफ़ी प्लेन है और सुंदर और अच्छी है जैसे आप देख रहे हो,
कितनी शानदार रोड है पहाड़ों की। नहीं तो अक्सर रोड टूटी हुई मिलती है और उसमें मतलब गड्ढे इतने होते हैं क्या बताए। यहाँ देखो कितनी बढ़िया रोड है, ब्रेकर्स और लगा रखे हैं ताकि स्पीड कंट्रोल में रहे हम जैसे लोगों की। फिर भी मैं तो स्पीड में चला रहा हूँ। पेड़ बड़ा सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। रात का टाइम पता नहीं क्या सीन होता होगा बट अभी दिन के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ओह माय गॉड, पूरी रोड एक तरफ से नीचे जा चुकी है। शिट, थैंक गॉड किसी के हो लगी ना हो, कुछ हुआ ना हो। और पत्थर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है यार, यहाँ शायद लैंडस्लाइड हुई होगी और ये सब साइड कर दिए होंगे पत्थर। एक एक चट्टान के बराबर पत्थर है भाई, सब किसी के लगी ना हो बस। ये देखो दोस्तों, अब एक साइड खाई और एक साइड पहाड़ शुरू हो चुके हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ इस वक्त। एंड जैसे जैसे और ऊपर जाऊँगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा, तो अब थोड़ा सा देख के राइड करनी पड़ेगी। लेकिन रोड बहुत अच्छी है, थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट, इतनी बढ़िया रोड बना के मेंटेन करी हुई है एटलीस्ट। तो इसमें कैमरा बिल्कुल सही आता है? हाँ मतलब अच्छा आ जाता है, मतलब 4K है ना, 4K ओके चलो अच्छा शूट कर लेता। तो ये पर्टिकुलर आप बाइक के साथ इसको ये जो एक्शन कैमरा बाइक से निकाल के ट्राई शॉट पे लगा के कहीं भी घूम लो। हाँ ये देखो दोस्तों कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और मतलब बादल ही बादल है। एंड नीचे देखो आस, मतलब क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम नैनीताल से पहले, नैनीताल रोड भी है ऐसे व्यू पॉइंट, और अक्सर से व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। एंड हर जगह आपको मैगी तो मिलेगी मिलेगी। ये देखो साइड में मैगी का शॉप है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। मतलब नींद भाग गई सारी, जो नींद आ रही थी ना हल्की बहुत रात की, सब भाग गई, कितना बढ़िया लग रहा है। फ़ोटो शूट हो रहे हैं मेरे भाई का। तो सुकाताल आ गए यार दोस्तों, और यहाँ पर आपको बाइक रेंटल्स मेरे को दिख रही है एंड कैब वगैरह दिख रही है, सुमो टैक्सी वगैरह सब आपको यहाँ मिल सकता है इजीली। ये नैनीताल से कुछ किलोमीटर पहले है, नैनीताल अभी ऊपर की साइड पे है और ये भी काफ़ी डेवलप दिख रहा है एरिया। सही है सही है, पहाड़ी इलाका यहाँ भी है थोड़ा सा, पूरा ही पहाड़ी इलाका है घर, और होटल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो दोस्तों साइड में आ चुकी है नैनी झील मेरे राइट में। तो ये नैनीताल का आर्टिफिशियल लेक है जिसको नैनी झील बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस लैंडमार्क है, फेमस स्पॉट है घूमने के लिए। एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखो होटल्स वगैरह, मार्केट, सब कुछ है, मतलब नैनीताल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर नीचे कोई दिक्कत हो रही हो आपको तो यहाँ पर आपको सब कुछ होटल वगैरह, पेट्रोल पम्प भी आगे की साइड पर जाके, तो आपको सब कुछ मिल सकता है ईजिली। पेट्रोल रिफिलिंग का वक्त आ चुका है दोस्तों, तो फिलहाल हम भवाली में हैं, नैनीताल से आगे पड़ता है और ये एक ही पेट्रोल पंप पड़ता है नैनीताल से आगे, इसके बाद के पेट्रोल पंप नहीं है ना इससे पहले है। तो अगर आपको पेट्रोल डलवाना हो तो भवाली में डला सकते हो, नैनीताल से आगे जाके है। एंड यहाँ पर मैं टैंक फुल कराऊँगा और इसके बाद मतलब कोई पेट्रोल पम्प नहीं है तो भैया यहीं से पेट्रोल लेके चलेंगे बॉटल के अंदर। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि पेट्रोल के प्राइस काफ़ी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दिल्ली तो बहुत ही कम है। एंड इसलिए टैंक फुल करा के चलो ताकि बेहतर रहेगा, और इन्होंने ज़्यादा भर दिया यहाँ पर थोड़ा सा। ये मैं अपना फ्यूल कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त जो कि पर लीटर डलता है, तो एवरेज अच्छी आती है ऐसे, और इंजेक्टर क्लीन रहते हैं। चेन ल्यूब, या चेन ल्यूब का भी टाइम आ चुका है क्योंकि चेन ल्यूब हुई नहीं थी राइड से पहले, और चेन ल्यूब अप कराना मैंडेटरी है, नहीं तो चेन खराब होने के चांसेस है। और ऊपर आते आते इतना अच्छा व्यू आ रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है, पहाड़ और पास आते जा रहे हैं और बादल और नीचे आते जा रहे हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। एंड ये देखो व्यू पॉइंट आ गया है, कितना बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं रानीखेत, छावनी परिषद रानीखेत में आप सभी का स्वागत है। तो आपका भी स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल के थ्रू। रानीखेत अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, चलो एक्सप्लोर करते हैं रानीखेत यहाँ से चलते चलते अच्छे से। तो यहाँ से लेफ्ट में जा रहा है रामनगर और सीधा जा रहा है रानीखेत की साइड, एंड और तरह के और साइड जा रहा है, चलो चलते ही, और अवेलेबल नहीं होता। एंड रानीखेत इस लेफ्ट साइड में है, तो रानीखेत के लिए मुड़ गए अभी हम। ये रानीखेत की माल रोड आ चुकी है दोस्तों, ये देखो कितना रश है, मतलब
यहाँ भी पूरा दिल्ली की तरह बना दिया, इतना ट्रैफिक इतना रश। यहाँ पर ये बसेस वगैरह का पूरा बस स्टैंड है। अभी हमने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि रानीखेत में अगर आपको और ऊपर जाना है तो इस साइड से जाना पड़ेगा, इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो निकल पड़े। अभी क्या है कि यहाँ पर जाएंगे ऊपर और जगह एक्सप्लोर करेंगे रानीखेत में, जो मेन जगह है, और फिर वो कल करेंगे और सारी जगह। ये देखो दोस्तों कितना बेहतरीन पार्क है यार। पार्क क्या है मतलब बहुत बड़ा पार्क लग रहा है यहाँ का, इस एरिया का कितना बड़ा है। शायद कैमरा दिखा पा रहा होगा, नहीं दिखा पा रहा होगा, बट मेरे को तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। एंड यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह चल रही है गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स की, जैसे कोई तैयारी कर रहा हो किसी नेशनल स्पोर्ट्स की, ऐसा लग रहा है देखने से। ओके तो वहाँ लिखा है वीर सिंह स्टेडियम, ऐसे ही कुछ लिखा है, दूर से पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये स्टेडियम है यहाँ का, अमेजिंग यार। ये देखो डाकघर भी है, मतलब डाकघर तो होगा ही, बट इतनी ऊंचाई पे कभी डाकघर देखा नहीं तो हमें को तो अजीब लग रहा है। यो गाइस, तो फाइनली वी आर एट द लोकेशन, मतलब जीरो पॉइंट है ये और रानीखेत का। इसे कहते हैं चंपा, इसे कहते हैं चौबाती, ऐसी कुछ जगह का नाम है चौबाती करके। मेरे पीछे देखो यार बादल ही बादल, मतलब ऑसम व्यू, मतलब यहाँ के इतनी एनर्जी फील हो रही है। मैं रात से राइड कर रहा हूँ, मतलब 12 बजे से राइड कर रहा हूँ, एंड अब देखो मतलब इतनी एनर्जी फील आ रही है अंदर से, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। मेरे पीछे भी देखो ये पूरा व्यू पॉइंट है, एंड सन की जो लाइट आ रही है इतनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में, मैं देख पा रहा हूँ ना गॉगल से। और मैं आपको और पास से दिखाता हूँ दूसरे एंगल से, जस्ट हैव अ व्यू गाइस। थोड़े थोड़े बादल, अभी बादल नीचे आ रखे थे और वहाँ पर तो बारिश का माहौल बन रहा है, बट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो जाए तो बढ़िया है। एंड उस साइड पे एक कैफ़े, अभी वहाँ बैठ के खाएंगे आराम से, लेट्स सी। तो यहाँ पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करी है, मतलब मेहनत क्या, मतलब राइड 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 राइड। रानीखेत से भी 6-7 किलोमीटर ऊपर है मेन रानीखेत से, जब माल रोड स्टार्ट हो जाती रानीखेत की, और नज़ारा तो आप देख रहे हो, जन्नत, फीलिंग रिफ्रेश। दैट वॉज द सनसेट, जैसे कि आपने देखा। एंड यहाँ पर अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, छोटा सा, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं था, वहाँ से वहाँ तक का था बस। तो आज की पहली ट्रैकिंग तो हो गई छोटी सी, लेट्स सी आगे कितनी ट्रैकिंग मिलती है। मैं तो यहाँ तक बाइक लाने की सोच रहा था, बट रास्ता दिखाऊँ अगर आपको, ये देखो ऐसा रास्ता है, तो ऐसे रास्ते में तो बाइक इम्पॉसिबल है लाना। पीछे देख रहे हो स्काई, देयर इज नो लिमिट, एंड स्काई इज ब्यूटीफुल। कंस्ट्रक्शन शेड एट झूला देवी मंदिर बाय 14 बटालियन ऑफ दुर्गा रेजिमेंट 1 दिसंबर 2018। प्राउड मोमेंट, देवी टेंपल उसका बैक साइड है, घंटे घंटे है, कुछ मान्यता होती होगी। हाँ, यहाँ कोई बताने वाला है नहीं एक्चुअली। छोटी छोटी घंटी है देखो, अमेजिंग। पीछे भी है, ऊपर नीचे, ये है मेन मंदिर। तो ये है मेन मंदिर दोस्तों, ये बड़े वाला घंटा बजा देते हैं। ये देखो श्री झूला देवी नमः, और ये बाहर भी घंटे ही है, इतनी सारी बेल्स।
गाइस वी आर हैविंग डिनर राइट नाउ एंड डिनर करने के बाद आपसे बात करते हैं ओके। सो गाइस हमारा डिनर हो गया यहाँ पर एंड अभी हम रुके हुए हैं एक होटल के अंदर। तो ये बिल्कुल माल रोड पे होटल था हमारा, हमने ले लिया था यहाँ पर। तो होटल तो काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा बड़ा रूम है और ठीक ठाक है देखो। तो अब सुबह निकलेंगे यहाँ से एंड अभी मैं फ़िलहाल रानीखेत में हूँ। मैंने आपको लोकेशन शायद बताई नहीं। तो बाइक से हमारे यहाँ सेफ पार्क हो गई थी नीचे, मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। और अभी रात का टाइम हो रहा है तो कुछ दिखता तो है नहीं पहाड़ों में, तो सुबह आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगा अच्छा सा। तो मिलते हैं कल एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स है सारी लेटेस्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।